नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मेघा चिन्ह और आप देख रहे हैं खबर दिन भर। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। जिले के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से बड़ी खबर, भाजपा के जिला स्तरीय पदाधिकारी ने टिकट वितरण पर खुली बगावत की। ग्रामीण इलाके में हुई समाज के प्रबुद्ध और पंच पटेलों की बैठक हुई है, जिसमें भाजपा के मुर्दाबाद बीजेपी हाई हाई के नारों के साथ समाज का कोई मजबूत प्रत्याशी का समर्थन करेगा। पंच पटेलों ने कहा कि 53,000 मतदाताओं की अनदेखी की गई है, भारतीय जनता पार्टी को इसका महंगा खामियाजा उठाना पड़ेगा और समाज अपना प्रत्याशी उतारेगा। अंतिम फैसला 5 तारीख रविवार को, सोमवार को प्रत्याशी करेगा अपना नामांकन। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से वोट समाज को दरकिनार किया, 50,000 से ज्यादा मतदाता होते हुए हर बार यहाँ पर वोट ठगा सा महसूस करता है। क्या वोट समाज को भारतीय जनता पार्टी ने केवल वोट देने का माध्यम रखा है? मैं ये नहीं कहता कि वोट हिंदुत्व से नहीं जुड़ा, वोट समाज हिंदुत्व का है और हिंदुत्व का रहेगा, लेकिन इसको दरकिनार बार बार भारतीय जनता पार्टी क्यों करती है? हमारे समाज के सुरेश खामराजी, निर्मल सूरजी दो प्रत्याशी मौजूद थे, क्या दोनों ही नकारा थे? इतना वोट बैंक होने के बावजूद जिसके दो वोट नहीं है उसको पार्टी क्यों टिकट दे देती है? पार्टी को ये बहुत भारी पड़ेगा। मैं हिंदुत्व का चेहरा हूँ और हिंदुत्व का रहूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये सबक सिखाना होगा कि आने वाले समय में अगर वोट समाज को दरकिनार किया है तो शीघ्र ही वोट समाज अपना प्रत्याशी उतार करके अपनी ताकत दिखाएगा और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगा कि आने वाले समय में वोट समाज को, यदि भारतीय जनता पार्टी ने आज तक हमसे संपर्क नहीं साधा, ना सुदेश खामरा से ना मुझसे, क्यों नहीं साधा? ये पार्टी ने अगर टिकट दूसरे को दे दिया तो वोट समाज का कोई वर्चस्व कहीं स्थापित होगा या नहीं होगा? इस पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की मैं घोर निंदा करता हूँ, प्रत्याशियों को संभाल भी नहीं कर रहे। क्या पार्टी ने वोट समाज को इस लायक भी नहीं समझा कि आने वाले कोई बोर्ड वगैरह में कोई जगह दे सके? जय हिंद, जय भारत, निर्मल सूरा। एक मिनट चुप हो जाओ, आज एक मिनट चुप करवाना, तुम चुप तो हो जाओ, दो मिनट बस। आज हमारा सारा वोट समाज संगठित हुआ है। गत 60-70 वर्षों से हमारे समाज ने बीजेपी को वोट किया है और हर बार हमें अपने हकों से वंचित रखा है, और आज हम सारा समाज, जितने भी पद हमारे समाज ने ले रखे हैं, सबका बहिष्कार करेंगे और बीजेपी पार्टी का भी बहिष्कार करेंगे, और बीजेपी पार्टी रामगढ़ विधानसभा से पूरी तरह हरा कर भेजेंगे। जब हमारी मांगों को, हमारे हित के लिए जब पार्टी कुछ नहीं कर सकती, हम इस पार्टी का बहिष्कार करते हैं और सभी अपने पदों से बहिष्कार करेंगे, सबको इस्तीफा देंगे हम जी। आज और समाज रामगढ़ में इकट्ठा हुआ है, धर्मशाला में। मैं और समाज की तरफ से, सभी ने मेरे समर्थन कर रखा है कि भाई और समाज के जो टिकट के लिए हमने प्रयास करा था, लेकिन पार्टी ने हमें नकार के ऐसे फेंक दिया जैसे दूध में से मलाई अलग फेंकती है। 50,000 वाला टकरा है और दो वोटों वाला आज सिकंदर बन रहा है। पार्टी ने निर्णय ले लिया है, कल की तारीख में फैसला हो जाएगा पार्टी ने, और अभी कोई फैसला नहीं हुआ। आज हम सब अनुरोध कर रहे हैं, कल की तारीख में हमारा समाज एकजुट होकर पार्टी का जो निर्णय करेगा, पार्टी ने, समाज ने तय कर दिया, इसी बात का प्रत्याशी उतारेगा, भारी मतों से जीत के आएगा। रामगढ़ में हमको पार्टी ने टिकट नहीं दिया, कोई बात नहीं, मतदे उन्हें अपनी मनमानी करिए, करने दो जितने कर रहे, लेकिन और समाज में इतना रोष है, इतना भारी है कि कल की तारीख में दिखा देंगे कि रामगढ़ में से जो आने वाले टाइम पे इनकी जमानत जब्त तो होंगी। मैं कह रहा हूँ इस दावे से, सबकी तरफ से जो बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम में जमानत जब्त तो होगी, हमारे लेके पार्टी कांग्रेस जीते या हमारा प्रत्याशी जीते, दूसरा कोई होगा या कोई समय जीते, लेकिन हमारा और समाज बीजेपी भारत माता की जय, इन्होंने हमें खाली यूज करा है, रामगढ़ में ही गई, आज 50,000 वोट होते हैं, पूछा नहीं है। इस तरह हालत हो रहे हैं कि आज की तारीख में वोट समाज के लिए, कल की तारीख में दिखा देंगे रामगढ़ में, और हमारे पास सातों तो जाता हमारे पास आ रही है। छत्तीसगढ़ राज्य का हम नेता है और छत्तीसगढ़ राज्य का समर्थन भी मिलना है, ये बोल दिया छत्तीसगढ़ राज्य, आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं।